नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार की राजधानी पटना में यानी कि बिहार में कोरोना वायरस से पहली मौत हो चुकी है। पटना एम्स में मौत हुई है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि पटना एम्स से एक और मामला सामने आया है। एक महिला को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जांच के बाद ये बातें सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना से, जहां बिहार में कोरोना से पीड़ित एक और मरीज सामने आया है। कोरोना से संक्रमित एक महिला को पटना एम्स में भर्ती किया गया है। महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले 38 साल के सैफ अली की मौत हुई है। एम्स प्रशासन की ओर से मौत की पुष्टि कर दी गई है। मुंबई में भी एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है और इस बीच एक महिला के पॉजिटिव रिपोर्ट आने की बात सामने आ रही है। पटना एम्स से मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया है कि एक मरीज को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। देखिए, अभी जो आईसीएमआर का जो लैब है आरएमआरआई, उसने सूचित किया है कि दो कन्फर्म दो पॉजिटिव जिसमें से एक पेशेंट की तो डेथ मॉर्निंग में ही हो गई थी, वो मुंगेर का रहने वाला था, और दूसरी जो है एडमिटेड है भी एम्स में। तो हम लोग उसका जो प्रोटोकॉल होता है उसी पर एक बैठक भी कर रहे हैं कि पूरा अब कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि वह जिनको भी हुआ है उनके क्या कॉन्टैक्ट थे, कहाँ गए थे, कैसे लोगों कहाँ कहाँ मूव किया है, किस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसी पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। अब हम लोग वो प्रोटोकॉल फॉलो करना। एक मौत कन्फर्म हो रही है कर रहे हैं आप? एक मौत पहले ही हो गई है टेस्ट रिपोर्ट आने से। अच्छा, तो इसलिए अब उसको हम लोग उसको इतना कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोरोना से मौत मानी जाए मतलब मानना चाहिए कोरोना से मौत। सर, दूसरा जो संदिग्ध है वो कहाँ पर है? अभी एम्स में एडमिटेड। सर, एक एनएमसीएच में भी पॉजिटिव केस मिला है, ऐसा कुछ खबर आ रही है? एनएमसीएच में एक मिला है पॉजिटिव केस। ऐसा है ना कि सिर्फ दो ही केस पॉजिटिव अभी तक मिले हैं हम लोगों को, जिसको आरएमआरआई ने कन्फर्म्ड किया है। जैसा मैंने बताया कि एक का डेथ हो चुका है कल सुबह में ही पेशेंट का, वह कतार से आया हुआ था पेशेंट, उसको किडनी फेलियर था, वो किडनी फेलियर के लिए ही एडमिटेड था वहाँ पर, तो उसका डेथ पहले ही हो गया है मगर सैंपल का रिजल्ट भी आया है। और एक अभी लेडी है जो एडमिटेड है एम्स में ही है, एम्स पटना में। थैंक यू। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि एक व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण पटना एम्स में हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 334 के पार जा चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। अब तक 63 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जबकि केरल में 52 और राजस्थान में 25, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी कई मामले सामने आए हैं। सभी मरीजों के सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। और हम अगर पटना की बात करें तो पीएमसीएच में 23 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं और बिहार में लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है, क्योंकि मरीजों की मिलने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पटना के पीएमसीएच में कोरोना के 13 नए संदिग्ध आए हैं, जिसको लेकर के उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। रात से अब तक कोरोना के 13 संदिग्ध मरीज भर्ती कराए जा चुके हैं पटना के पीएमसीएच के अस्पताल में। और इसके साथ ही साथ ज़्यादातर मरीज जो है वो छपरा और सिवान के हैं। सभी मरीजों के जो सैंपल हैं उनको जाँच के लिए भेजा गया है। तो पटना एम्स में एक मौत हो चुकी है, एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और इसके साथ ही साथ पीएमसीएच में भी मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से जो संदिग्ध मरीज हैं, जो उससे प्रभावित मरीज हैं संदिग्ध तौर पर, उनको भर्ती कराया जा रहा है। तो 13 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं पटना के पीएमसीएच अस्पताल में। कहीं ना कहीं बिहार अब टारगेट बन चुका है। लॉकडाउन की स्थिति यहाँ भी आ चुकी है, यहाँ पर भी लोगों को, तो आप भी सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं, जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। पटना एम्स में एक महिला को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लाइव सिटीज को देखते रहिए आप, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।